कैनेडा विच कोरोना वायरस के 2,11,000 के करीब केसिज कन्फर्म किए गए ने, 1,70,000 के करीब केसिज रिकवर कर ले गए ने, 99,100 के करीब डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। दस दिए कि बीते दिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह जानकारी दी कि फैडरल सरकार वालों कैनेडा के कोविड-19 वैक्सीन एंटीबॉडी प्रोडक्शन फैसिलिटी के सहयोग लिए कैनेडा भर के बायो मैनुफैक्चरिंग की कपैसिटी वधाने लिए निवेश किया जा रहा है। इस नाल ही दस दिए कि कैनेडा की टॉप मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर थेरेसा टैम वालों भी कैनेडियंस नूं अपील की जा रही है कि कैनेडा भर के कोविड-19 के स्प्रैड नूं रोकने लिए सारे कोविड अलर्ट ऐप जरूर डाउनलोड करन। Canada's public health community has mobilized and collaborated like never before to stand up and sustain this response. We've all had to adapt and adjust as new information improves. It also means that minimizing the pandemic's impact both today and in the future depends on all of our actions now. The longer pandemic goes on and the less we all do to minimize hygiene, go the extra mile by downloading the COVID Alert app to break the cycle of infection to help limit the spread of COVID-19.